सर ये मीटिंग आप कर रहे हैं बेसिकली आज हमने 26 जनवरी 2024 जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस हैं हमारे रिज पे उसके बारे में एक प्रिपरेटरी मीटिंग की है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने जो बेसिकली हमारा परेड रहता है तो उसमें जो 25 कंटिजेंट्स के आसपास पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे फीडबैक भी लिया प्लस डायरेक्शंस भी दिए कि कौन कौन से कंटिजेंट्स इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हमारी रहेंगी उसके बारे में भी डिस्कस हुआ प्लस जो हमारे टैबलोज लगने हैं इस बार इस फंक्शन में उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। जो नया रहा इस बार वो हमने कोशिश की कि स्पेसिफिकली हम ट्राई करें कि एक्स्ट्रा एडिशनल क्रिएटिविटी ला सके जो मोनोटनी रहती है जनरली गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में उसको ब्रेक किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं वो अक्रॉस द स्टेट्स और स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाए प्लस जो हमारी अपनी परफॉर्मेंसेस भी हैं उसको भी थोड़ा डाइवर्स किया जाए, सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंसेस ही ना रहे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में, कुछ एक आधा प्ले, एक आधा स्किट और कुछ म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस, कुछ अलग तरह की परफॉर्मेंसेस भी उसमें रहे। तो इसी के तहत हमने डायरेक्शंस दिए जैसे फॉर एग्जांपल WCD को जो हमारा गर्ल शेल्टर होम है टूटीकंडी में उनकी बच्चियों की एक परफॉर्मेंस हो, हमारी एक स्कूल की कोई अच्छी सी स्किट परफॉर्मेंस हो प्लस जो हमारी अदर कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी हैं वो भी थोड़ी डाइवर्स रहें चाहे वो विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट है तो ताकि थोड़ी मोनोटनी सी ब्रेक हो सके। सिमिलरली जो हमने टैबलोज में डायरेक्शंस दिए अलग अलग विभागों को वो ये डायरेक्शंस दिए कि कुछ क्रिएटिविटी रहे उनमें, सिंपल सा आपका टैबलो जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें कुछ पैम्फलेट्स पढ़े हैं कुछ किताबें पढ़ी हैं वैसा ना रह कर बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो तर्कसंगत चीज़ें हैं कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो रहें और जो प्लस हमारा रहता है आपका एयर पेटल शो प्लस हमारा जो बलून्स को उड़ाने का ट्राई कलर के रहता है उसमें भी हमने कहा कि कुछ क्रिएटिविटी से अगर डव्स को या केज्ड बर्ड्स को फ्री करके गवर्नर साहब के थ्रू या माननीय मुख्यमंत्री जी के थ्रू हम बेसिकली हवा में छोड़ सके ऊपर स्काई में तो वो हमने कोशिश की है कि कुछ क्रिएटिविटी रहे कुछ नया रहे। तो इसी के तहत हमने सभी विभागों से डायरेक्शंस भी दिए, सभी विभागों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि 2-3 दिन में हमें एक प्रॉपर बताएं कि कैसे वो प्लान कर रहे हैं अपने टैबलोज प्लस परेड का। प्लस और विभागों को भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी लिखना है जैसे पोस्टल विभाग हो गया, CPWD हो गया, BSNL हो गया ताकि ये भी इन्वॉल्व हों इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और अपने टैबलोज इसमें इस्टेब्लिश करें। इसी के साथ साथ डेकोरेशंस का जो जिम्मा है जो इस बार आपने देखा होगा कि विंटर कार्निवल में जैसी डेकोरेशंस रही हैं कुछ अलग सी लाइटिंग्स बंटिंग्स फ्लैग्स डेकोरेशंस रही हैं तो उसी के तहत MC को डायरेक्शंस दिए गए कि वो इंश्योर करें कि क्या क्रिएटिविटी से वो डिफरेंट तरह की डेकोरेशंस मंच की भी और उस वेन्यू की भी कर सकते हैं। जैसा हमेशा की तरह रहा है कि जो रिपब्लिक डे रहा है वो स्टेट लेवल का फंक्शन हमेशा शिमला में रिज में ही मनाया गया है तो अभी ऐसे फॉर्मल डायरेक्शंस हमें है नहीं बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बारी भी जो स्टेट लेवल का फंक्शन है वो रिज पे मनाया जाएगा और उसी के तहत उसी के रिस्पेक्ट में हमने जो ये आज डायरेक्शंस दिए हैं तैयारियों की प्रिपरेटरी मीटिंग की है उसी के अंतर्गत की है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।